नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट रिधि बहल। पुरानी कहावत है हेल्थ इज वेल्थ, और पिछले 2 सालों में जिस जो हम सब ने एक्सपीरियंस किया है, उसके बाद हम सबका फेथ शायद इस कहावत पे और बढ़ जाता है और हमने रियलाइज किया है कि हेल्थ कितनी इम्पॉर्टेंट है। आज मैं आपके साथ वास्तु टिप्स शेयर करूँगी फॉर गुड हेल्थ। जैसे मैंने पहले भी कई वीडियोस में कहा है, आज फिर से रिपीट करती हूँ, नॉर्थ जोन। नॉर्थ जो है वो जोन है हेल्थ और इम्यूनिटी का। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट स्पेशली और नॉर्थ ईस्ट जो है स्पेशली, वहाँ पे अगर एंटी एलिमेंट हुआ या वो वास्तु कंप्लायंट नहीं हुआ तो वहाँ पे हेल्थ इश्यूज देखने को मिले। अब जब मैं कहती हूँ वास्तु कंप्लायंट नहीं है या एंटी एलिमेंट है, तो उससे क्या मतलब है मेरा? देखिए, नॉर्थ जो है, जो नॉर्थ के डायरेक्शंस हैं, नॉर्थ 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 ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट, ये जो 3 डायरेक्शंस हैं, ये जल तत्व हैं, वाटर एलिमेंट हैं। वाटर का जो एनिमी है वो है फायर और अर्थ। तो यदि इन वाटर जोन्स में, जो कि हेल्थ को भी रिप्रेजेंट करते हैं, स्पेशली नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट, ये तो डायरेक्टली हेल्थ से ही रिलेट करते हैं, तो यदि इन 2 जोन में स्पेशली फायर आ गई, यानी कि अगर आपका किचन आ गया, या फायर को रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जैसे कि इन्वर्टर हो गया या जनरेटर हो गया, या आपका इलेक्ट्रिसिटी का पैनल बोर्ड आ गया, या कई घरों में मैंने देखा है लोग फायर प्लेस बनाते हैं, तो अगर आपने फायर प्लेस नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में बना ली, तो आपने जो है हेल्थ के जोन में, वाटर के जोन में आप जो है फायर लेके आ गए। अब क्या होगा इससे? इससे हेल्थ इश्यूज होंगे। तो आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में फायर और अर्थ, अर्थ से मतलब है को एनी थिंग विच रिप्रेजेंट्स अर्थ एलिमेंट, भारी चीज़ या येलो कलर की चीज़ या गोल्डन कलर की चीज़ जो है आपने इस जोन में अवॉइड करनी है। बड़े बड़े भारी गमले आपने जो है इस जोन में अवॉइड करने हैं। टॉयलेट स्पेसिफिकली, टॉयलेट्स का हमने देखा है कि अगर टॉयलेट्स नॉर्थ ईस्ट में या नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में आ जाते हैं तो बहुत बड़े हेल्थ इश्यूज होते हैं, बहुत बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। पिछले दिनों जब कोविड के फर्स्ट वेव और जब सेकेंड डेडली वेव आई, बहुत से लोग आए, जहाँ बहुत से ऐसे लोगों ने मुझे कॉन्टैक्ट किया जिनके फैमिली में या जिनके घरों में लोगों को कोविड हुआ, और आप बिलीव नहीं करेंगे कि उनका जब मैंने फ्लोर प्लान स्टडी किया या उनके घर पर जाके जब वास्तु चेक किया, तो वहाँ पे यही देखा गया कि नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में कोई ना कोई प्रॉब्लम थी। ऑल्सो जैसे मैंने आपसे कहा कि ये जो जोन है ये वाटर को रिप्रेजेंट करता है, वाटर जो है वो कफ को रिप्रेजेंट करता है। कफ कहाँ डिपॉजिट होता है? लंग्स में। कोविड जो है वो कहाँ इम्पैक्ट कर रहा था? लोगों के लंग्स में, और लंग्स से फिर जो है और जो है बॉडी पार्ट्स, उन पर भी उसका असर देखने को मिला। तो ये रिसर्च हमने छोटी सी की थी कोविड के दौरान, जिसमें देखा गया कि जो लोग जिनकी फैमिलीज में कोविड हुआ, वहाँ पे जो है नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट जो है वो उसमें प्रॉब्लम आई। वैसे भी जैसे मैंने कहा, नॉर्थ ईस्ट जो है वो जोन ही है हेल्थ और इम्यूनिटी का, तो इसलिए कोशिश करें, बल्कि कोशिश क्या, मतलब दिस शुड बी मैंडेटरी कि आपका नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में जो है वो लाइट होना चाहिए। वहाँ पे जो है किसी भी तरह की फायर रिलेटेड एक्टिविटी या इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। दूसरा जोन जो आता है वो है साउथ ऑफ साउथ वेस्ट। ये जो जोन है ये डिस्पोजल का है, एक्सपेंडिचर का है। ये मैंने कई केसेस में देखा कि जहाँ पे साउथ साउथ वेस्ट में बेडरूम है स्पेसिफिकली। अब देखिए, आप दिन में 24 घंटे में से 1/3 मतलब 8 घंटे तो आप सोते हैं, तो आप 1/3 टाइम जो है आप अपने बेडरूम में स्पेंड कर रहे हैं। तो जो ये डिस्पोजल का और जो एक्सपेंडिचर का घर है, अब क्या हो रहा है, बॉडी यहाँ पे है तो बॉडी डिस्पोज हो रही है, बॉडी पे एक्सपेंस हो रहा है। बॉडी पे एक्सपेंस कैसे हो रहा है? इन फॉर्म्स ऑफ मेडिसिन, इन फॉर्म्स ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स, हॉस्पिटलाइजेशन, तो उस पर खर्चा हो रहा है। तो साउथ साउथ वेस्ट में जो है बेडरूम्स बिल्कुल नहीं होने चाहिए, या ऐसा एरिया नहीं होना चाहिए जहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। वहाँ पे भी देखा गया है कि ऐसे केस में भी जो है
हेल्थ इश्यूज जो लोग वहाँ रहते हैं उनको फेस करने पड़े। यदि आपका बेडरूम साउथ साउथ वेस्ट में आता है और आप चेंज नहीं कर सकते तो आप बेड की पोजिशन चेंज कर दीजिए, उसको जो है साउथ साउथ वेस्ट से हटा दीजिए, जो कि आराम से किया जा सकता है। आप में से बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि जी हम नया घर खरीद रहे हैं, नया अपार्टमेंट है या फ्लैट है जिस जो कि ऑलरेडी बना हुआ है जिसमें हम चेंजेस नहीं कर सकते, पर हम चूज कर सकते हैं, तो क्या चीज़ें हैं जिनको हमें ध्यान में रखना चाहिए जब हम ये घर अपने लिए चूज कर रहे हैं तब? तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि मैंने कहा नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पे किचन और टॉयलेट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़, जैसा मैंने कहा, साउथ साउथ वेस्ट का बेडरूम अवॉइड करें। साउथ साउथ वेस्ट जो है वो डिस्पोजल का एरिया है, वहाँ पे टॉयलेट इज़ बेस्ट सूटेड। अब मान लीजिए अगर बेडरूम आ ही रहा है तो वहाँ पे बेड अवॉइड करें, उस रूम को जो है हम स्टोर रूम में कन्वर्ट कर सकते हैं या ऐसी एक्टिविटी कर सकते हैं जिसमें हम वहाँ पे ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करें। सो फ्रेंड्स, ये दो जोन्स आज मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं जो जिनका इम्पैक्ट डायरेक्ट हमारी हेल्थ पे होता है। वास्तु से रिलेटेड आपके दिमाग में और भी कोई क्वेरीज हैं, कोई सवाल हैं या कोई टॉपिक्स हैं जो आप चाहते हैं जिस पे हम मैं आपके साथ डिस्कस करूं या उस पे कुछ कन्फ्यूजन्स हैं जिनको क्लैरिफाई करूं, तो यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी। टिल देन टेक केयर, नमस्कार।